गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं और मौसम आज भी कातिल है। ये देखिए अभी भी बादल हैं, बट इतना नहीं है, शायद रास्ते में सही हो जाए। आज की सबसे बड़ी हेडेक पता है क्या है? आज वीकेंड लॉकडाउन है यहाँ पे पूरे लद्दाख में, तो होटल का रास्ते में तो कुछ भी नहीं मिलना है। होटल तो एक बार फिर भी आपको मिल जाएगा, तो अभी भी विकास भाई का वेट कर रहे हैं, उनसे थोड़ा काम है तो आ जाएं वो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो भी पैंगोंग जा रहे हैं, मैं भी पैंगोंग जा रहा हूँ। और ना दोपहर के खाने के लिए यहीं से पैक करा के लिए जा रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते वहाँ पे। और शायद रिक्शे में होटल बुक करेंगे पहले, इसके बाद फिर पैंगोंग जाएंगे। आज का ये अभी तक का प्लान है। और हमारे साथ जो भाई आए थे पवन भाई, वो पहले ही निकल लिए हैं। कैसे कैसे लोग हैं यार, फिर कहते हो यार साथ में ट्रिप नहीं करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो। जब मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, तब आप ऐसी हरकतें करते हो। अभी मैं जा रहा हूँ डिस्किट मोनेस्ट्री, और यहाँ से टिकट वगैरह ले लिया है, और ये रहा एंट्री गेट। जाते जाते याद आया कि मैं अभी तक यहाँ गया नहीं हूँ, तो मैंने सोचा लाओ जल्दी से इसे भी देख लेता हूँ। तो ये मिलते हैं ऊपर। तो ये दिशकित मोनेस्ट्री का स्टैचू, और काफ़ी लोग हैं, लॉकडाउन है बट ये खुली हुई है। और यहाँ आने के लिए आपको 30 रुपये की एंट्री फीस देनी होती है बस, और कुछ नहीं। अगर ड्रोन उड़ाना है तो आपको 500 रुपीज़ का एक रसीद लेनी होती है, इसके बाद आप ड्रोन भी फ्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो मौसम भी अभी धीरे धीरे खुल रहा है, पीछे साइड आप देख रहे हैं कि पीछे इधर मौसम खुल चुका है और इधर अभी बादल हैं, तो उम्मीद है कि आगे भी सही होगा मौसम। तो देखते हैं क्या होता है, अभी चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जाते जाते याद आ गया कि ये तो रहा ही जा रहा है, मैंने सोचा दिखा दूँ। बाकी यहाँ से नज़ारे यार बड़े मस्त हैं, ये देखिए तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे आज, बहुत VVIP लोग आए हैं, होता ही ज़्यादा। तो अब निकलते हैं यहाँ से पेंगोंग के लिए, क्योंकि तो विकास भाई भी निकल चुके हैं, रास्ते में ही हैं, आ रहे होंगे। गोली की रफ्तार से एकदम भागते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे रास्ते में, और विकास भाई से मिलवाते हैं अभी, फिर से चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ एंट्री गेट पे, और अब
और अभी मैं निकल चुका हूँ दिस्किट से पेंगोंग के लिए, और अपनी ये जो जर्नी है आज की वो करीब 100 किलोमीटर की होने वाली है। तो अगम जहाँ पे मैं बरीला पास से आया था तो वहाँ से एक रास्ता कटता है पेंगोंग के लिए, देन एक रास्ता कटता है कारू और लेह के लिए। तो अपने को आज जाना है पेंगोंग के लिए वाया दुर्बुक। तो वहाँ से श्योक भी पड़ेगा और उसके बाद देन दुर्बुक आएगा, और बीच में शायद वाटर क्रॉसिंग वगैरह या लैंडस्लाइड जोन भी मिल सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। बट कोई ना, तीन गाड़ियां हैं, 4 लोग हैं, तो अपना एक दूसरे की हेल्प करते हुए चले जाएंगे। और आगे 5-6 गाड़ियां भी जा रही हैं तो उनको तो कैर नहीं पाएंगे हम, बट फिर भी अपना आराम से चलते चलेंगे अपनी जर्नी को इंजॉय करते हुए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से स्मूथली चलते चले जाना है, क्योंकि जर्नी इंजॉय करने आए हैं, रेस लगाने नहीं आए। और कल मैं अपने यूट्यूब के कमेंट पढ़ रहा था, जो मैंने वीडियो अपलोड की हैं शॉर्ट वीडियो, तो उनके मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें कई लोगों ने लिखा है कि आप अपना जो कैमरा है हेलमेट माउंट किया हुआ है मोटो व्लॉगिंग के लिए, उसको ऐसा सेट कीजिए कि आपका मीटर, गाड़ी का मीटर भी दिखता रहे और सामने का व्यू भी दिखता रहे। तो यार ये इस कैमरे का वाइड एंगल इतना अच्छा नहीं है, गोप्रो की मतलब टक्कर नहीं ले सकता ये। मैं और मुझे इतना आता भी नहीं यार, पहली बार मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया भी नहीं इन सब चीज़ों का। तो अभी के लिए इतना यार, मैनेज कर लीजिए आप लोग, बाद में जब थोड़ा अर्निंग होगी और जब आगे अपग्रेड करेंगे अपने आप को तो ये भी कर लेंगे, देन थोड़ा सीख भी लेंगे। अभी पहला बार है तो इतना चलता है यार। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। और ये है वो सैंड डून जिनके लिए नोब्रा वैली फेमस है, और यहाँ पे कैमल राइड और जो गाड़ियाँ होती हैं ना जो रेत में चलती हैं, उसको नाम नहीं याद आ रहा है क्या है, वो भी चलती हैं यहाँ पे अच्छी खासी, मतलब वहाँ पे राइडिंग वगैरह होती है, तो इस चीज़ के लिए मतलब काफ़ी फेमस है। और यहीं पे ही वो मतलब कैमल राइड और ये कार वगैरह जो भी हैं यहाँ की वो सब चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे अभी आगे आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, काफ़ी भीड़ है वहाँ पे भी, तो आगे चलते हैं अभी आपको दिखाएंगे। मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार और क्या है, मतलब इन सब चीज़ों में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ जब होगा तब ये भी किया जाएगा। अभी के लिए ये वाला इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, ये ज़्यादा मज़ा आती है, उन सब चीज़ों में इतना मज़ा नहीं आती मुझे, तो इसका मज़ा लेते हैं अभी। बाकी आगे आपको दिखा देंगे वहाँ का माहौल भी। तो अभी इस ग्रीनरी को थोड़ी बहुत जो आ रही बीच बीच में और ये हेयरपिन बैंड्स, तो इसको इन्जॉय करते हुए आगे चलते हैं, बाकी दिखाते रहेंगे जो भी नया नया आता रहेगा, परेशान मत होइए, सब कुछ दिखेगा अपने व्लॉग में, सबको बराबर बराबर का मौका मिलेगा। और ये सामने आपको एक घर टाइप का दिख रहा है, वहीं पे ये देखिए लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं, और यहाँ पे कई और गाड़ियां भी खड़ी हैं, तो यहीं पे वो सब चीज़ें होती हैं एडवेंचरस एक्टिविटीज़। तो आप यहाँ पे आके अपना रेट वगैरह फाइनल करके आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं। अभी ना मेरा मूड है और ना ही मैं इन सब चीज़ों में पैसा वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी होगा तो इसका भी ट्राई कर लिया जाएगा, बट अभी के लिए पेंगोंग बढ़ते हैं, पेंगोंग ज़्यादा ज़रूरी है इस अच्छे रास्ते पे। तो नोब्रा वैली अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और खारदोंग विलेज यहाँ से 22 किलोमीटर है, और ये रही नोब्रा श्योक वैली। एडो बॉफ सियाचिन वॉरियर्स, और सियाचिन के जितने भी योद्धा हैं या जितनी भी आर्मी सियाचिन ग्लेशियर की तरफ रहती है, वो सब उनका सबका रहना खाना सब यहीं पे होता है। और ये एक विचित्र तरह का लैंडस्लाइड जोन है। विचित्र क्यों पता है? क्योंकि यहाँ बालू भी साथ में गिरती है, पत्थर तो गिरते ही गिरते हैं, बट पत्थर के साथ बालू भी आती है, और बालू पूरी रोड में फैल जाती है। पत्थर तो एक बार साफ कर दोगे आप, बालू खतरनाक, मतलब
अगर पत्थर के साथ बालू मिल रही ना, खतरे पे और खतरा बढ़ गया। जैसे यहाँ पे ये ऐसा सीन है, और ये केवल लद्दाख में है और कहीं नहीं है। और इसको एक्सपीरियंस करना है ना तो लद्दाख आना पड़ेगा, चाहे किसी भी कंट्री में हो। और आगे पता नहीं किस चीज़ का जाम लगा है, सामने पहाड़ भी देखिए कैसा है, विचित्र, रेत ही रेत का पहाड़ है। मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी ने रेत का टीला बना के रख दिया हो, रेता ही रेत है। और बीच में देखिए नाला है, मतलब ठंडियों में बर्फ़ जमती है, गर्मी जैसे ही आती है ग्लेशियर मेल्ट होता है, यहाँ पे नाला बन जाता है। तो ऐसा सीन है, ये देखिए सामने रेत का पहाड़। तो ऐसा मतलब विचित्र विचित्र तरह की भांति भांति की चीज़ें हैं। इसका एक्सपीरियंस लद्दाख ही कराएगा आपको। और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है, शायद यही जा रहा है खारदुंग विलेज के लिए, खारदुंगला के लिए। हाँ यही रास्ता है, बोर्ड में भी लिखा था। तो यहाँ से भी मतलब यहीं से ही खारदुंगला के लिए निकल जाते हैं लोग। अगर जैसे ये लोग कल गए थे प्रतीक भाई लोग, तो ये लोग इसी रास्ते से गए थे। तो ये मैंने कहा था ना, यहाँ पे बालू ज़्यादा खतरा है, वही चीज़ है। बालू आके बिछ गई है पूरी रोड पे, अब उसको साफ किया जा रहा है। चेतक निकल गया, भाई लोग भी आ गए पीछे। ये चीज था जो कल मैं दिखा नहीं पाया था। जूले और अभी एक हादसा होते होते बचा, पता है कैसे? आगे एक गड्ढा था, मैंने सोचा उस गड्ढे को बचा लूँ, मतलब गड्ढे में ना जाने पाए बाइक। तो मैंने साइड से निकालने की कोशिश की, भाई साहब आगे चल रहे, मतलब पीछे एकदम सटा के चल रहे थे। इसीलिए कहते हैं थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। जैसे ही मैंने काटा, भाई साहब ध्यान नहीं दिए, ये तो कहो बच गई, अदरवाइज भिड़ जाते आपस में ही। तो इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान देना, इसीलिए कहते हैं कीप डिस्टेंस, थोड़ा दूरी बनाए रखिए, एटलीस्ट 50 to 60 meters की मिनिमम दूरी तो बनाए ही रही है। एकदम चिपक के ना चलिए, पहाड़ों में तो खासकर चिपक के ना चलिए। पता ना कब कौन अचानक, खासकर जब सामने आपको लोकल गाड़ी दिख जाए तो उससे तो 100 meters या 1 kilometer की दूरी बनाए रखो भाई। ऐसा ब्रेक मारते हैं ना कि ऐसी वाटर क्रॉसिंग एकदम झटके में निकाल देंगे, हमारी भले ही ऐसे रेंग रेंग के जाए। बचा बचा के निकालते हैं ताकि पानी में जितना कम हो सके उतना कम जाए। क्या पता साला कहाँ गड्ढा हो, कहाँ पे चली जाए गड्ढे में, कौन निकालेगा। अब देखिए कैसे निकालना है, पेड़ों से भी बचना है, पानी से भी बचना है, गिरते गिरते भी बचना है। यहाँ शक्ति 81 अगम 19 kilometers। ये देखिए ट्रैवलर, इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहला के भी चले जाएंगे, ऐसे जड़ीले ड्राइवर हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचते हुए चलना है, रास्ता भी इंजॉय करना है, बचना भी है, और जर्नी तो इंजॉय करनी ही करनी है। और ये ग्रीनरी देखिए कितनी घना है, मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे अच्छा खासा प्लांटेशन है। बट ये किया गया है, ये हुआ नहीं है, ये किया गया है। एक और वाटर क्रॉसिंग, काफ़ी वाटर क्रॉसिंग है इस रास्ते में भी, बट इतनी कोई टफ नहीं है कि बहुत मतलब मेहनत करनी पड़े, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। ऐसा वाला सिस्टम आ गया है ले मनाली हाईवे में, वो तब दिखाएंगे, अभी इसको एंजॉय करिए छोटा मोटा वाला। ये आया है थोड़ा स्पिति टाइप वाला, पता है क्यों? एक तो सॉलिड माउंटेन है, ऊपर तो वैसा ही रास्ता है,
सिंगल लेन है, बगल में नदी चल रही है और क्लिफ हैंगर भी आगे मुझे दिख रहा है, अभी आपको भी दिखेगा। तो सेम वैसा ही सराहन के पास जो क्लिफ हैंगर सेक्शन आता है ना, सेम वैसा ही आप देखिए और उसके बाद सराहन वाला भी देखिएगा, ऐसा ही कुछ है वहाँ पे। बट उसमें क्या है, प्रॉपर बैरिकेडिंग वगैरह भी लगी है और तगड़ा क्लिफ हैंगर है, मतलब पूरा वो सड़क के ऊपर से ही है। बट यहाँ पे इतना नहीं है क्योंकि वो पूरा रास्ता काट के ही बनाया गया है। और यहाँ क्या है कि इतना सॉलिड नहीं, मतलब इतना स्टीप नहीं है, इतना काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। ये देखिए जैसे यहाँ पे एक क्लिफ बना हुआ है तो ऐसा है, यहाँ पे प्रॉपर एक रोड बना दी गई है, तो इतना रिस्की नहीं है यहाँ पे। बट रिस्क कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये मत कहिए। नज़ारे भले ही अल्टीमेट हैं बट कभी भी कुछ भी हो सकता है। अद्भुत अकल्पनी। और ये लोहे का हैंगिंग पे, हैंगिंग में ये लोहे का लोहे कवर वाला, कवर वाला नहीं, इसमें आवाज नहीं होती, ये बढ़िया मजबूत बनाया है। अरे बहुत आवा अंतिम में खड़ हुई फड़ मची, फड़ फड़ फड़। तो अभी जस्ट यहाँ पे स्टॉपेज लिया है एक इस व्यू को एंजॉय करने के लिए। ये जगह आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगी। ये देखिए नीचे नदी है, रेतीला मैदान पथरीला भी है, बैरन माउंटेन्स भी हैं और स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी हैं। और मौसम यहाँ पे चुटकियों में चेंज होता है, जैसा मैं पिछले एक दो दिन से बता रहा हूँ, कभी भी बदल सकता है मौसम। सुबह एकदम क्लाउड थे और अभी सामने मौसम खुलता जा रहा है और पीछे अभी भी क्लाउड्स हैं, तो यहाँ मौसम का कुछ नहीं कह सकते। इसलिए अगर आप आना चाहते हैं तो मौसम का मत सोचिए, दिक्कतों का मत सोचिए, दिक्कतें सबके साथ होती हैं, किसी एक के साथ नहीं होती हैं। चाहे आप कोई भी ले लीजिए, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो मुझ जैसा हो, कोई भी हो, आप आइए, जो भी है आपके पास बाइक है कार है उसकी सर्विसिंग कराइए, एक्स्ट्रा पार्ट रखिए, फ्यूल कैरी करते रहिए और चलते रहिए, खाने पीने का भी इंतज़ाम करते रहिए, बस इतना सा है। और लद्दाख आपको अलग एक्सपीरियंस देगा लाइफ का। लद्दाख आते हो इन नज़ारों का आनंद लेने के लिए, और ये नज़ारे पल पल में चेंज होते रहते हैं। और ये देखिए पानी भी बरस रहा है, आसमान भी खुला है, क्या है, बूंदे पड़ रही है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बट मुझे बूंदे पड़ रही है। बट ये सीनरी अपने में ही एक अलग आनंद है। चलो चलो पीछे लो, पीछे लो, मोड़ लो, अब इधर मोड़ो, इधर मोड़ो, पीछे मैं धक्का दे रहा हूँ, चलो 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 चलो। अरे राम, ओह अब अपना यहाँ पे पिकनिक मनाएंगे, थोड़ा जो भोजन लाए हैं होटल से पैक करा के यहीं पे खाएंगे। ओह ओह नज़ारे देखिए, नज़ारे क्या बात है, एकदम पार एकदम। सूफा पी के यहीं भाई जाओ आराम से। अरे यहाँ आओ इधर, और ये आज आपका अपना लंच, लंच कम ब्रेकफास्ट जो भी समझना समझ लीजिए। और ये है नज़ारे, तो इन नज़ारों का आनंद लेते हुए
बैठो, लंच करेंगे अपना, ब्रंच करेंगे अपना। सो फाइनली डन विद द ब्रंच, और कूड़ा करकट जितना था सब एक पॉलीथीन में करके रख लिया अपने पास ही, कहीं डस्टबिन दिखेगा तो फेंकेंगे, नहीं तो अपने पास ही रखा रहेगा वो। और हवा बहुत तेज है यार, जरा सी भी टोपा हट जाता है ना फटके चार हो जाता। नज़ारे बहुत अच्छे हैं यार गुरु, मज़ा आ गया। दो पराठे केवल खाए, पेट भर गया डन एकदम। अब सीधे चलेंगे होटल लेंगे पहले, फिर पैंगोंग निकलेंगे, क्योंकि आज लॉकडाउन का दिन है, रात नहीं करनी है आज, एक एक गलती आज भारी पड़ेगी, कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। तो भैया चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मज़ेदार जगह थी मज़ेदार। अरे यार हेलमेट तो लिया ही नहीं अपन, क्या नहीं दिलाते यार तुम लोग, हेलमेट भूल गया तो कैसे चलेगा, चालान कट जाएगा। लोकेशन कितनी बढ़िया थी गुरु, ये देखो यहाँ बैठ के भोजन हुआ था, है ना मजेदार, चौचक एकदम, पेलमपाल नजारे थे पेलमपाल। जल्दबाजी करके भागने से क्या फायदा यार, निकल जाओगे पहुंच जाओगे जल्दी, क्या उखाड़ लोगे वहां जाके, नज़ारा ही तो देखने आए हो, वो तो सब देखेंगे, जो अभी पहुंचेगा वो भी देखेगा, जो सुबह पहुंचेगा वो भी देखेगा, जो रात पहुंचेगा वो कल सुबह देख लेगा। इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी दूर से आए हो, इतना टाइम वेस्ट किया है, इतनी मेहनत की है, क्या कहें, चले आगे बढ़े अपना काम करें। ओ वहाँ से यहाँ तक आने में सांस फूल गई, वहाँ से यहाँ तक आने में सांस फूल गई, अल्लाह इतना कम है। और क्या, हम लोग भी 12,000 पे ही हैं, अब तो हाइट बढ़ती है पैंगोंग के बाद, तो और हाइट बढ़ेगी अगर कारू तरफ से वैसे जाना है, नहीं तो और हाइट बढ़ती। चलो ठीक है, ओ जुल्फे उड़ रही।